राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बुरे हैं। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का दीमक लगते देर नहीं लगती। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी, लेकिन अब त्रिवेंद्र रावत सरकार ने योजना से बीमा कंपनी को किनारे कर व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना पर रोक। योजना से जुड़ी पूर्व बीमा कंपनी बाहर। बीमा योजना में बड़े घोटाले की शिकायत। इलाज हजार का, बीमा उठाया लाखों में। पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी। इसके तहत मरीजों को लगभग पौने 2 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलती थी, जिसे बीमा कंपनी वहन करती थी। लेकिन हाल में ही त्रिवेंद्र सरकार ने बीमा कंपनी के करार को समाप्त कर दिया। अब सरकार की तरफ से अस्पतालों को साफ कह दिया गया है कि अगर कोई भी मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आता है तो उसका इलाज किया जाए, पैसा सरकार भुगतान करेगी। सूत्रों की माने तो सरकार की बात दूसरी बीमा कंपनी से चल रही है। इससे ये साबित हो जाता है कि पहले की व्यवस्था फिर से बहाल कर दी जाएगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर सरकार ने इस योजना को सीधे अपने हाथ में लेने का फैसला क्यों किया। सूत्रों की माने तो विवेकाधीन कोष की तरह ही सरकार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में भी बड़े पैमाने पर घोटाले की बातें पता चली। कई जगहों पर बीमा कंपनी के कर्मचारियों के साथ साथ निजी अस्पताल प्रबंधन के लोगों की मिलीभगत के चलते हजारों में इलाज के बिल का लाखों में पेमेंट होने की शिकायत मिल रही थी। ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें 15,000 तक का इलाज हुआ और 1.5 लाख अस्पताल प्रशासन को दिए गए। वहीं कुछ अस्पतालों पर तो मरे हुए मरीजों के नाम पर भी बीमा कंपनी से पैसे लेने का आरोप लग चुका है। इसके बाद सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। उनको लगा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इसके में पेमेंट होना है, तो जिस मरीज पे 15,000 रुपए खर्च हुआ एक्चुअल, उसका बिल 1.5 लाख तक बने। तो ये बहुत सारी खामियां इस योजना में थी और इसलिए इसको फिलहाल निर्णय लेना पड़ा कि इस योजना को बंद कर दिया जाए और जो एक्चुअल गरीब लोग हैं, जो सचमुच जिनको इलाज की जरूरत है, फिर उन्हें इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। देखिए, स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में मुझे कहना है कि जिस कंपनी को ये काम दिया गया था उसको नवंबर लास्ट तक के लिए उसको ये काम करना था, और इसलिए पहली बात तो जिस कंपनी ने राज्य के गरीबों के साथ धोखा किया है, हम उसके लिए कुछ ना कुछ दवा ढूंढेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट लापरवाह अधिकारी या फिर दोषी निजी अस्पतालों पर भी शिकंजा कसने पर जोर दे रहे हैं। हॉस्पिटल में कितना बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं है, उस पर ले जाएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। और आपका लाइफ सपोर्ट पर आदमी है, आपका वेंटिलेटर पर है, आपकी मानवता कहां मर गई, उठा के आपने यहां कर दिया, सरकार ने बंद कर दिया। भाई, सरकार की टेक्निकली बंद हुई है, कुछ लापरवाही कहीं पर रही होगी, उसको रिवाइव करना था, उसको कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया, सरकार कर रही है। वही कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार के फैसले पर ही सवाल खड़े कर रही है। सरकार ने बहुत ज़्यादा जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है उस प्रोग्राम को चलाने में बहुत ज़्यादा असंवेदनशीलता दिखाई, और सरकार कतई भी सीरियस नहीं थी, गंभीर नहीं थी उसके प्रति। और देखिए, मुख्यमंत्री का विभाग है, जुलाई में उसकी डेट एक्सपायर हो रही है, विभागीय सचिव को ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री कल कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों से मालूम चला, पत्रकारों से मालूम चला कि भाई मीडिया से मालूम चलता है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना खत्म हो जाए। अब देखना है कि इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगा या फिर इसे भी पूर्ववर्ती सरकार के फैसले को पलटने के तौर पर ही समझा जाएगा, जिसका आरोप कांग्रेस लगाती आ रही है। सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी से करार तोड़ लिया है, और अब सरकार ने ऐलान किया है कि सरकार ही मरीजों का इलाज कराएगी और अस्पतालों को पेमेंट करेगी। वैसे भी इस योजना के तहत काफी गड़बड़ियां सामने आ रही थी और अस्पताल प्रशासन द्वारा कई फर्जी पेमेंट भी बीमा कंपनियों के द्वारा ली गई हैं, इसके भी प्रमाण मिले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा सरकार इस योजना को कितना बेहतर तरीके से चला पाती है और मरीजों को कितनी राहत मिल पाती है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस।